हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कार्बोकेटाइन का लेक्चर नंबर 5th है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट के साथ शुरू किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स करे थे। आज भी हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद सेमी पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट के साथ शुरू करेंगे। शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर CSIR नेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी हमने आज तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कार्बोकैटायन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखेंगे हम। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज, हाइड्रोबोरेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा या फिर एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एडिशन कौन सी होगी, सिन एडिशन होगी या फिर एंटी एडिशन होगी। तो ये मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोबोरेशन के बारे में पूछा गया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पूछा गया है। हाइड्रोबोरेशन स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पे एग्जांपल लेके करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे आएगा BH3। BH3 की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इसके केस में आपको एक वेकेंट पी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये आ गया BH3, एच आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा और इसके पास है वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होगी, कैसे शिफ्ट होगी। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मोर स्टेबल होगा ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसके केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइग्रेट कराना है तो कैसे कराएंगे, यहाँ से यहाँ ही कराएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे बोरोन के वेकेंट, सॉरी BH3 के वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आया, अब वो कैसे स्टेबलाइज होगा, वो स्टेबलाइज होगा इस हाइड्राइड से, ठीक है। तो अब हाइड्राइड इसके साथ लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये जो मैकेनिज्म है ये होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है बोरोन के साथ, तो लाइकवाइज ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे आ गया ये एच एंड एच। अगर कंसर्टेड मैकेनिज्म यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या होगी, सिन एडिशन होगी, ठीक है। तो सिन एडिशन होगी, ये पता चल गया। अब यहाँ पे देखो हाइड्राइड इस वाले कार्बन की तरफ जा रहा है। हाइड्राइड मतलब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच हो रही है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच हो रही है। तो हमने क्या बोला था, कैसे याद रखना था आपको, MMN मार्कोनिकोफ रूल में जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मार्कोनिकोफ रूल फॉलो और सिन एडिशन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। अब गलती होने के क्या चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने प्रॉपर बताया है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करें तो उसके केस में एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है, बट सिर्फ हाइड्रोबोरेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में नेट में पूछा गया है। मेजर प्रोडक्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन देखो, इपोक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में हमने देखा ही था इपोक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड के साथ होती है तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी अब वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा
और कुछ इस तरह की स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को करना है न्यूट्रलाइज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो वो कैसे हो सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ जाए। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा वाला फेवरेबल प्रोसेस होगा। अगर हम ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ मूव कराते हैं तो देखो ये वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग के ऊपर आ रहा है, थ्री मेंबर्ड रिंग के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वहाँ पे आ रहा है, तो स्ट्रेन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर स्ट्रेन इंक्रीज होगा तब तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं। मतलब ये वाला रूट अब आपको नहीं फॉलो करना है, यही रूट फॉलो होगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव करेगी, तो यहाँ पे आ गया OH, बाकी सब वैसे ही रहने दो, ये वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बॉन्ड है, उसके बाद ये मिथाइल है और ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया आपको। अब इसके बाद क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिस कार्बन के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप है जो मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे होगी रिंग एक्सपेंशन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब साइकिल के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे साइकिल के एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे होगी रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगी? ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले गए तो ये आपके पास आ जाएगी फोर मेंबर्ड रिंग, ये आ गई फोर मेंबर्ड रिंग, ये मिथाइल ग्रुप है और साथ में ये 1, 2, 3 कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन आगे, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इस वाले कार्बन के ऊपर कोई डिफिशियंसी नहीं आ रही है, यहाँ वाले कार्बन के ऊपर डिफिशियंसी आएगी, तो यहाँ पे आ गया अब OH और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब फर्दर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, OH होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जब एसिडिक वर्कअप होगा तो H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। ये आ गया आपके पास मेजर प्रोडक्ट। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ही था कि अगर फोर मेंबर रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड O आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहा है, तो स्ट्रेन और इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आप मैकेनिज्म करके देख सकते हो, यहाँ पे यही हमें मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ईजिली आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के ऊपर, ये फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के ऊपर ही लगे हुए हैं, सेकेंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे OH भी गिवन था वैसे आपके ऑप्शंस में, तो वो आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द करेक्ट इंटरमीडिएट विच लीड्स टू द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिसंबर 2017 नेट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन सा करेक्ट इंटरमीडिएट होगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अमाइन की रिएक्शन हो रही है NaNO2 HBr के साथ। मैंने आपको जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में बताया ही था अमाइन से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कब होगी, जब अमाइंस की रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 HBr के साथ डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, इस ऑप्शन को जल्दी से हम करेक्ट कर देंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में जो पूरा गेम है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री का, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि NH2 अबव द प्लेन लगा हुआ है, तो यहाँ पे N2 पॉजिटिव ये अबव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन होगा, तो ये देखते हैं। मैकेनिज्म आपको इसके लिए पता होना चाहिए, तो ये मैकेनिज्म हमने अच्छे से करा ही है। सबसे पहले NaNO2 एसिड के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ से हमें मिलेगा NO पॉजिटिव, ठीक है।
उसके बाद वाले स्टेप में अब ये जो कंप्लीट ग्रुप है इसको हम R मान लेते हैं, NH2 आ गया, ये आ गया N, एंड यहाँ पे आ गया H, एंड H रिएक्शन होगी N O पॉजिटिव के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अटैक होगा ये वाले इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद हम कुछ स्टेप्स कराते हैं जो अभी मैं कराऊंगी नहीं, अगर आपको वो देखने हैं तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाली वीडियो में देख लेना। इसके बाद बड़े सारे स्टेप्स कराते हैं हम, और उसके बाद फॉर्मेशन होती है डाइजोनियम सॉल्ट की, N2 पॉजिटिव आ जाएगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए Br नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये NH2 जो लगा हुआ है अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे भी ये अबव द प्लेन ही रहेगा, बाकी सारे स्टेप्स में भी यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो सेम ही रहेगी, ये अबव द प्लेन ही रहेगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है। अगर ये अबव द प्लेन है, उसके बाद क्या होगा, Br नेगेटिव का अटैक होगा। Br नेगेटिव का अटैक अगर हम यहाँ पे करा देते हैं तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। अब ये अबव द प्लेन है तो Br नेगेटिव का अटैक कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन से होगा इसके अकॉर्डिंग तो, बट यहाँ पे तो अबव द प्लेन से है, मतलब ये वाला अब हमारा करेक्ट इंटरमीडिएट नहीं है, इसके बाद कोई और स्टेप भी हो रहा होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, उसके बाद रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये आ गया, इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, अब इसके पास है लोन पेयर, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये N2 है अबव द प्लेन, ये क्या है, अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे ये जो इसके लोन पेयर अटैक करेंगे वो कहाँ से अटैक करेंगे, बिलो द प्लेन से। यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3-membered रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये O है, अब यहाँ पे ये बिलो द प्लेन से आएगा और यहाँ पे ये H है, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद अब Br नेगेटिव का अटैक होगा, Br नेगेटिव का अटैक कहाँ से होगा, अब ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा, अबव द प्लेन से अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला मिल जाएगा हमें, ये आ गया डबल बॉन्ड O O H, एंड यहाँ पे अबव द प्लेन से आ गया Br, ठीक है। तो अब यही है हमारे पास प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कौन से इंटरमीडिएट से मिल रहा है, ये वाले इंटरमीडिएट से मिल रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। ये तो देखो अब अबव द प्लेन है तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से भी हमें करेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और ये तो इनकरेक्ट ही है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन है यहाँ पे देखो, ये 1,2-diols है, पिनाकोल है, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वही आपको अच्छे से करना होता है। स्टेबल कार्बोकैटायन हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ये OME इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, डोनेटिंग ग्रुप आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया ये। अब अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो मोर स्टेबल होगा, मतलब ये ही अब प्रोटोनेट होगा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन दोनों ग्रुप में से कोई एक माइग्रेट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पे लेके आना है, जो बैक बॉन्डिंग से मोर स्टेबलाइज होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के केस में हम क्या बोलते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसकी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हो वो माइग्रेट करता है। अब ऐसा क्यों होता है, पिछले लेक्चर तो मैंने यही बता दिया कि मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो माइग्रेट करेगा, अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम आज समझेंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रुप माइग्रेट कराते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ये आ जाएगा ओ एम ई, यहाँ पे आ गया ये फिनाइल रिंग आ गई, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये वाला ग्रुप है अब ये माइग्रेट करेगा यहाँ पे, CH3, और यहाँ पे आ गया ये OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है ये जिसके साथ NO2 लगा हुआ है। देखो अब यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग ज़्यादा कब होगी, जब इस वाले कार्बन के ऊपर मोर प्रेफर कब होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि ज़्यादा कब होगी, बैक बॉन्डिंग तो होनी है ही, जब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो इस वाले कार्बन के ऊपर, डेफिशिएंसी हो, ठीक है। अगर यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप है वो यहाँ पे चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है, अगर ये माइग्रेट होता तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रह जाता। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छे से होने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जो जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होती है वो वाला ग्रुप माइग्रेट होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के केस में। अब इसके बाद यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसी स्टेप में बता देती हूँ, और यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आई थिंक 2019 में पूछा गया था, यहाँ पे हमें इन दोनों के केस में मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे देखो R दिया हुआ है फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे R है COOET, तो करते हैं ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। अच्छा, मैंने जब ये क्वेश्चंस कराए थे ना, तब यहाँ पे आपको ये इस रिएक्शन को हम नेमिंग रिएक्शन भी, मतलब कौन सा नाम देंगे, हम नहीं देंगे, ऑलरेडी कौन सा नाम है इस रिएक्शन का वो भी मैं आज बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे R की जगह सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, COOET। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एसिड है तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया COOET। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डीलोकलाइज कर जाएंगे, यहाँ पे OH आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये COOET, मिथाइल ग्रुप है। अब ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये साथ में रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, बट अगर यहाँ पे इन दोनों ग्रुप से हम किसी एक ग्रुप को माइग्रेट कराते हैं तो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा और साथ में रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबलाइज होगा। तो मैंने आपको बताया ही है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर COOET ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो अब माइग्रेट करके देख लो आप, यहाँ पे अगर हम ME को माइग्रेट कराते हैं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज,
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब यहाँ पे मिथाइल माइग्रेट नहीं होगा, यहाँ पे माइग्रेट होगा COOET, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में रीएरोमेटाइजेशन कराते हैं, ये आ गया COOET और यहाँ पे आ गया ME, यहाँ पे आ जाएगा OH और ये हमें A मिल जाएगा, A प्रोडक्ट जो है वो ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन, तो अब रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे R दिया हुआ है PH, डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे आ जाएगा COOET की जगह पे PH, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही होगा, तो ये वाले स्टेप्स अब आप खुद लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया ये मिथाइल, और यहाँ पे आ गया फिनाइल। अब उसके बाद अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, फिनाइल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होगा, यहाँ पे आ जाएगा ME और यहाँ पे आ जाएगा PH और उसके बाद होगी रीएरोमेटाइजेशन और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को अब ध्यान में रखना, OH और यहाँ पे ME आ गया और यहाँ पे PH आ गया, ठीक है, तो ये हमें B प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इन तरह की जो रिएक्शंस हो रही हैं, इन रिएक्शंस को नाम दिया गया है डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल लेके बताऊं तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड आगे और यहाँ पे है O, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, डाइईन आ गया, दो डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये ONE आ गया, ओन कीटोन है, ठीक है। अब रिएक्शन होगी एसिड के साथ, तो ये सारे स्टेप्स कर सकते हो आप इजीली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो रीएरोमेटाइजेशन होगी और फिनोल मिल रहा है, यहाँ पे आ गया ये OH, तो इसीलिए हमने क्या बोला इसको, डाइनोन फिनोल, यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हो रही है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये दो डबल बॉन्ड है, डाइईन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा है, ओन आ गया, और उसके बाद यहाँ पे ये OH ग्रुप आ रहा है, बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूटेड है बट स्टिल यहाँ पे OH आ रहा है, बेंजीन रिंग है, तो इसीलिए इन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डाइनोन फिनोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मैंने ये टाइप्स की रिएक्शन जो है वो किसी प्रीवियस लेक्चर में भी कराई हुई है, तो वहाँ पे भी ये नाम दे देना, क्योंकि हम नेमिंग रिएक्शंस भी साथ साथ में कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये भी आप इसको भी आप बोल सकते हो डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट ही होगी यहाँ पे। अब ये वाली एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे OH आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये दो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कार्बन एक जैसे नहीं हैं, तो मतलब यहाँ से ये वाले पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज हो सकते हैं और ये वाले पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ से शुरू करते हैं, OH आ जाएगा,
ये मिथाइल ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड वैसे ही रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मिथाइल आ गया। उसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन होगी, 1,2-मिथाइल शिफ्ट होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल आएगा, यहाँ पे दूसरा मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे ये है OH ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, री एरोमेटाइजेशन होगी फर्दर और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। OH है और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो एक ये प्रोडक्ट मिल सकता है और दूसरा अगर हम यहाँ से ये वाले पाई बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन कराएं तब क्या होगा, ये हमने ए रूट कर लिया, ये बी रूट देखो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे गए, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आ गया। उसके बाद क्या होगी, मिथाइल शिफ्ट होगी, मिथाइल शिफ्ट होगी, उसके बाद री एरोमेटाइजेशन होगी, वो खुद आप कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मेरे को जो बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो मेरे को बताना है। तो ये आपको प्रोडक्ट ए मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है बी, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट में देखो कि बेंजीन के ऊपर 4 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक साथ लगे हुए हैं और यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट एक साथ नहीं लगे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ केस देखने को मिलता है तो जहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट एक साथ नहीं लगे होंगे वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। अब तो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि 1,2-diols हैं, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगी। अब ये वाला ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आज से पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिख रहे थे, कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, ये वाला OH प्रोटोनेट होगा, ये वाला OH प्रोटोनेट होगा। अब इस एग्जांपल में देखो, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको प्रोटोनेट करा दिया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे ये CH3 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा OH2 बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करते हैं, अब ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आना है, तो माइग्रेशन कराएंगे, कौन से ग्रुप की माइग्रेशन कराएंगे, जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसको माइग्रेट कराएंगे, तो यहाँ पे C, यहाँ पे ये COOET आ गया, यहाँ पे ये OH आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे ये CH3 आ गया और यहाँ पे फिनाइल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, बैक बॉन्डिंग होगी और ये आ गया आपके पास COOET, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 एंड फिनाइल, ये वाला मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये ऐसे नहीं दिए हुए होंगे, अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको इतना इजी तो नहीं दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा CH2OH, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 1,2-diols हैं, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगी। अब कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, यही क्वेश्चन आता है फिर से, कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है हमें। यहाँ पे देखो, अगर इस वाले OH को प्रोटोनेट कराते हैं जैसे हमने इसको कराया था, तो यहाँ पे प्रोटोनेट कराने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये है अब प्राइमरी कार्बोकैटायन, और आपको पता है प्राइमरी कार्बोकैटायन तो स्टेबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन के केस में हम इस वाले OH को प्रोटोनेट नहीं कराएंगे, हम कराएंगे
इस वाले OH को प्रोटोनेट, और वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो पिछले क्वेश्चन में बोला था ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो हम इस वाले OH को तो प्रोटोनेट कराएंगे ही नहीं। पर देखो इस वाले केस में ये जो मिथाइल ग्रुप्स थे, इन मिथाइल ग्रुप की वजह से स्टेबलाइजेशन इंक्रीज हो रही थी कार्बोकेटाइन की, बट अब यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इसको प्रोटोनेट नहीं कराएंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगा हुआ है पर साथ में ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहाँ पे ये pH आ गया, यहाँ पे COOET आ जाएगा, यहाँ पे ये C आ गया, यहाँ पे ये H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये H आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बैक बॉन्डिंग दिखेगी और मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, C यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड OH, हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, वो क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगेन विसिनल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, पिनाकोल है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ही होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है, कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा वो देखना है। तो यहाँ पे देखो एक लगा हुआ है ये pH एंड यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ये प्लस R इफेक्ट की वजह से इफेक्ट शो करेगा और ये प्लस H इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे ये प्लस H इफेक्ट शो करेगा, और साथ में अब यहाँ पे देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लगा हुआ है बट डायरेक्टली इस वाले कार्बन के साथ तो अटैच नहीं है, तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ से मिलेगा आपको, इस वाले OH को प्रोटोनेट कराओगे तब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लगा हुआ है ये है काइरल कार्बन, मतलब काइरल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। OH है, यहाँ पे C आ गया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे pH आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अब यहाँ पे ये pH लगा हुआ है, ME लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, तो ये वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा यहाँ पे। अब ये वाला ग्रुप जब माइग्रेट करेगा ना तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे pH अबव द प्लेन है तो माइग्रेट होने के बाद भी pH अबव द प्लेन और मिथाइल बिलो द प्लेन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से माइग्रेशन हो रही है, इसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो लिख दो डायरेक्टली ET आ गया, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रही हूँ अब मैं, ME आ जाएगा और यहाँ पे pH आ जाएगा और यहाँ पे ये आ गया C। स्टीरियोकेमिस्ट्री अब सेम रह रही है काइरल ग्रुप की, तो ये नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना था वो भी समझा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हो, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिखो, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H नेगेटिव का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद pH नेगेटिव का होगा, देन आपके पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स आएंगे, एल्काइल ग्रुप के केस में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिसकी होगी, मतलब अगर टर्शरी एल्काइल है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है, और यहाँ पे आप कुछ इस तरह के ग्रुप्स भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद यहाँ पे इस रिंग में कोई भी इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है और इस रिंग में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे आप बोल सकते हो OME लगा हुआ है, तो इसके केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसीलिए, और यहाँ पे ये मोर
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद ऑलवेज एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको ये वाला लाइन ज़्यादा समझ में आएगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप विल नॉट चेंज, ये हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देख लिया कि माइग्रेटरी ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी अगर माइग्रेटरी ग्रुप कायरल है तो। और यहाँ पे एक और बात लिख लो कि जो एक्सियल ग्रुप है ना, एक्सियल पोजिशन पर अगर OH लगा हुआ होगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी OH लगा होगा, तो एक्सियल पोजीशन वाला जो OH है वो प्रोटोनेट होगा फर्स्ट, प्रोटोनेट होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अब ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हमारे पास ये दो दिए हुए हैं, एक ये दो रिएक्शंस हो रही हैं और यहाँ पे हमें रेट फाइंड आउट करना है कि रेट ज़्यादा कौन सा होगा या फिर दोनों के केस में इक्वल ही रेट रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये दो एडजेसेंट कार्बन है, दोनों के ऊपर OH लगा हुआ है, ये दो एडजेसेंट कार्बन है, दोनों के ऊपर OH लगा हुआ है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होंगी, यहाँ पे दिया होगा एसिडिक मीडियम, तो ये कौन सी रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ये हमने देख लिया था। अब हमें यहाँ पे बताना है रेट, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया था कि ऑलवेज एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, तो एंटी ग्रुप कौन सा होना चाहिए, जो लिविंग ग्रुप है एंड माइग्रेटरी ग्रुप है, माइग्रेटरी ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी में होंगे, एंटी में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करा देंगे, हम प्रोटोनेट करा देंगे, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेती हूँ जल्दी से, यहाँ पे किसी भी OH को प्रोटोनेट करा सकते हैं क्योंकि दोनों ही कार्बन जो है वो सिमेट्रिकली है जिनके ऊपर OH लगा हुआ है, तो हमने ये वाले को प्रोटोनेट करा दिया, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको प्रोटोनेट कराया है तो माइग्रेशन किसकी होगी, फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन होगी, लिविंग ग्रुप ये वाटर बाहर निकल जाएगा, फिनाइल की माइग्रेशन होगी। अब यहाँ पे अगर हम फिनाइल और जो माइग्रेटरी ग्रुप है और ये जो वाटर जो लिविंग ग्रुप है इन दोनों को देखें, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी में नहीं है, एंटी में नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसके केस में भी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ही हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कराएंगे, प्रोटोनेट कराएंगे, दोनों में से किसी भी OH को प्रोटोनेट करा सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया H, यहाँ पे अब क्या मैंने सेम ही लिख दिया है, हाँ यहाँ पे ये ऐसा नहीं था, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे ये लगा हुआ है pH और यहाँ पे लगा हुआ है OH, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा pH और यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ गया pH और यहाँ पे आ गया OH, इसको हमने प्रोटोनेट करा दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये है लिविंग ग्रुप और जो माइग्रेट हो रहा है वो है ये वाला ग्रुप, माइग्रेटरी ग्रुप। अब इन दोनों की पोजीशन क्या है, एंटी है, अगर एंटी पोजीशन है तो मैंने क्या बोला था, प्रेफरेंस किसको दी जाती है, जो एंटी ग्रुप है वो माइग्रेट करेंगे, तो इसीलिए रेट किसका फास्ट होगा, रेट अब फास्ट होगा K2 का, तो ये वाला हमने ये वाला स्टेप भी समझ लिया। अब इन दोनों रिएक्शंस के लिए आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो पहले तो इन रिंग्स पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिनाइल माइग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे आ गए ये pH आ गया और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। बस ध्यान में क्या रखना है कि अगर लिविंग ग्रुप एंड माइग्रेटरी ग्रुप एंटी टू ईच अदर है तो वहाँ पे रेट फास्ट होगा। अब नेक्स्ट हम 1,3 पुल पुश रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, 1,3 पुल पुश मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो यहाँ पे नंबरिंग दे दो 1, 2, 3,
फर्स्ट पोजीशन पे OH है, थर्ड पोजीशन पे OH है, तो इसको 1-2 डाइवल्स नहीं बोल सकते हैं हम, पिनाकोल का एग्जांपल नहीं है ये। तो यहाँ पे पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं होगी। एसिडिक कंडीशन दी हुई है, OH ग्रुप है तो OH प्रोटोनेट हो जाएगा। कौन सा OH प्रोटोनेट होगा? अब दोनों कार्बन एटम्स जिनके ऊपर OH लगे हुए हैं दोनों ही सिमेट्रिकल है, तो कोई भी OH प्रोटोनेट हो सकता है। इसके केस में हमने ये वाले OH को प्रोटोनेट करा दिया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो लगा दो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, अब ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पुलिंग हो रही है। तो इसको नंबरिंग दे दो 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पोजीशन से पुश हो रहे हैं और थर्ड पोजीशन से पुल हो रहे हैं। अब इसके बाद अगर हमने ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे माइग्रेट कराए हैं, तो ये कार्बन की अब वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड्स आ गए। तो अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड तो वैसे ही रह रहा है, ये वाला बॉन्ड भी वैसे ही है, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये दो मिथाइल ग्रुप्स। उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया ये एच, यहाँ पे ये वाला कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये मिथाइल ग्रुप्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये वाले, यहाँ से तो लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है तो यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए, पर ये वाला बॉन्ड भी तो माइग्रेट हो रहा है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो इस बॉन्ड ने कंप्लीट कर दी, इसीलिए ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका क्या रोल है, फर्दर हम रिएक्शंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो रही हो, तो वहाँ पे पुल पुश मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, BF3 के साथ रिएक्शन हो रही है। BF3 क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। और ये हमने जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में देखा ही था कि अगर कोई इपोक्साइड है, लुईस एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप इस रिएक्शन को पुल पुश मैकेनिज्म के थ्रू कराओगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप करेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों वे से आपको रिएक्शन कराऊंगी, जैसे अब तक हम करते आ रहे थे वैसे भी, और अगर हम पुल पुश मैकेनिज्म से करते हैं रिएक्शन तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैसे हम प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया OH, यहाँ पे ET, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, BF3 आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है। अब तक हम यही करते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, या तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे या फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे? ये वाले, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे तो ये अब जो कार्बोकेटाइन है हमें वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दो। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को OH के साथ वाली पोजीशन पे लेके आएंगे, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से मोर स्टेबिलिटी मिलेगी। तो हम यहाँ से इथाइल ग्रुप को माइग्रेट कर देंगे और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी रिएक्शन को पुल पुश मैकेनिज्म से करते हैं तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पहले जाएंगे यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर गए यहाँ पे और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ पे गए हैं तो कार्बन की वैलेंसी होगी डिस्टर्ब। अगर डिस्टर्ब होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इथाइल ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब माइग्रेट कराने के बाद
ये कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री अटेन करेगा, अबव द प्लेन से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, ये कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे देखो, ये बिलो द प्लेन दिया हुआ है तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए, अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये क्या होगा, ये अबव द प्लेन होगा, अबव द प्लेन होगा। अब ये अबव द प्लेन है तो यहाँ पे इथाइल कहाँ से अटैक करेगा, ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, द प्लेन से अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये फाइव मेंबर्ड रिंग आ गई, उसके बाद ये अब लिख दो आप ओ बी एफ थ्री, ठीक है। अब अगर इसने अबव द प्लेन से सॉरी बिलो द प्लेन से अटैक किया है तो ई टी आ जाएगा बिलो द प्लेन से, और यहाँ पे एन ब्यूटाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री अब चेंज हो गई है, इस वाले ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फिर से मैं आपको समझाती हूँ एक बार। यहाँ पे अब आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में फंसाएगा आपको एग्जामिनर। तो मैं इसको एक बार फिर से समझाती हूँ, हमने क्या किया, पुल पुश मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन कराई, ये आपको बिलो द प्लेन से दिया हुआ है ग्रुप, तो ऑब्वियसली बात है इपोक्साइड क्या होगा, इपोक्साइड होगा अबव द प्लेन से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पुल पुश मैकेनिज्म में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा या फिर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, वो हमने ऊपर वाली रिएक्शन में देखा ही था। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होगी डिस्टर्ब, अगर वैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से ईटी माइग्रेट करेगा। अब ईटी क्योंकि ये इपोक्साइड जो है वो अबव द प्लेन से है तो ईटी कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, ईटी ने बिलो द प्लेन से अटैक कर दिया। अब ये बिलो द प्लेन से आ गया तो ये वाला ग्रुप कहाँ पे चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें, इसके बाद क्या होगा, एसिडिक वर्कअप होगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर मैकेनिज्म ही लिख लेते हैं, इधर एच रहने दो, पॉजिटिव है, एसिडिक वर्कअप में ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे बिलो द प्लेन से आ गया ई टी, उसके बाद अबव द प्लेन से आ गया ये वाला ग्रुप और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पुल पुश मैकेनिज्म से रिएक्शन करेंगे तो अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो 1-2 डायोल्स हैं, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कभी भी अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, तो उसको सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या करना है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो ध्यान में रखने हैं। पहले हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये ओ एच अबव द प्लेन से है तो यहाँ पे अबव साइड पे ओ एच लिख दो, ये बिलो द प्लेन से है तो बिलो साइड पे सी एच थ्री लिख दो, सी एच थ्री बिलो द प्लेन से है तो ये हमने फिर से बिलो साइड पे लिख दी और इसको अबव वाली साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियल ग्रुप कौन सा होता है, इक्वेटोरियल ग्रुप कौन सा होता है। तो आप इसको कैसे समझोगे, यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली साइड दिख रहा है ना आपको, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो जो ऊपर की तरफ वाला सब्सिट्यूएंट होगा, ऊपर की तरफ वाला बॉन्ड होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ वाला बॉन्ड होगा इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन आपको नीचे की तरफ पॉइंटेड होता हुआ दिख रहा है, अगर नीचे की तरफ पॉइंटेड हुआ कार्बन है तो उसके नीचे की तरफ जो लगा हुआ ग्रुप होगा उसको बोलेंगे एक्सियल और इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल। हर पोजीशन पे आपको यही करना है, जैसे ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड है तो ऊपर की तरफ लगा हुआ ग्रुप जो होगा वो एक्सियल बॉन्ड होगा, एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ ग्रुप होगा। यहाँ पे भी ऊपर वाला ग्रुप एक्सियल होगा, यहाँ पे नीचे वाला ग्रुप जो होगा वो एक्सियल होगा, सॉरी नीचे की तरफ पॉइंटेड है तो नीचे वाला ग्रुप एक्सियल होगा। तो ये समझ में आ गया, बस आपको क्या देखना है कि कार्बन कहाँ पे पॉइंटेड है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है।
अगर ऊपर की तरफ पॉइंटेड है तो ऊपर वाला ग्रुप एक्सियल, नीचे वाला अगर नीचे की तरफ पॉइंटेड है तो नीचे वाला ग्रुप एक्सियल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या एक स्टेटमेंट बताई थी कि अगर एक्सियल पोजीशन पे ओएच है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ओएच है तो कौन सा ओएच प्रोटोनेट होगा पहले। यहाँ पे प्रोटोनेट होता है एक्सियल पोजीशन वाला ओएच, ठीक है, तो इसको प्रोटोनेट कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इतना जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम कार्बोकेटाइन में ही फंसे रह जाएंगे। जब मैं ये साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ाऊंगी, रिएक्शंस कराऊंगी, तब ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये CH3, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते थे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, और उसके बाद शिफ्ट होती थी किसी भी ग्रुप की और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता था। तो ये साइक्लोहेक्सीन के केस में, या फिर मैंने आपको एक और स्टेटमेंट बताई थी कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, एंटी पोजिशन वाला ग्रुप जो होगा वो माइग्रेट होना चाहिए। जो लिविंग ग्रुप है एंड माइग्रेटरी ग्रुप है, ये दोनों कौन सी पोजीशन पे होने चाहिए, एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया लिविंग ग्रुप, इसकी एंटी पोजीशन पे देखो क्या है। अब इसकी एंटी पोजीशन पे है ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होगा। तो इसको आप नॉर्मल वे से भी करा सकते हो कि पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी, उसके बाद मिथाइल ग्रुप की माइग्रेशन कर दी, उसके बाद डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ये भी कर सकते हो। और लाइकवाइज हम पुल पुश मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आप कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलना था, ये वाले लोन पेयर यहाँ पे आए, ये वाले कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हुई, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से मिथाइल ग्रुप क्या हुआ, माइग्रेट हो गया। तो एक स्टेप में रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये आ गया CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसको लिख दो प्लेनर फॉर्म में, प्लेनर्स, तो यहाँ पे एक पोजीशन पे है डबल बॉन्ड O और उसके एडजेसेंट वाली पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में तो नहीं पूछेगा क्योंकि कायरल कार्बन है ही नहीं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो इन दोनों एग्जांपल में कोई और ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बस स्टीरियोकेमिस्ट्री में ही डिफरेंस है। यहाँ पे CH3 अबव द प्लेन से आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, डायोल्स हैं, 1-2 डायोल्स हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगी। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में कोई भी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन करनी है आपको, तो क्या करोगे आप, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे जल्दी से। ये हमने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे OH है डाउन बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे हमने डाउन साइड लिख दिया, इसको बिलो साइड लिख दिया और ये अबव वाली साइड लिख दिया। यहाँ पे ये अबव होगा, ये हमने अबव लिख दिया और ये अब आपके पास डाउन साइड आ गया। अब यहाँ पे तो दोनों ही OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही है, तो किसी को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कर देते हैं, इसकी प्रोटोनेशन कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसलिए मैं करा रही हूँ। यहाँ पे आ गया ये CH3। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये OH है। अब ये आ गया आपके लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप की एंटी पोजीशन कौन सी होगी यहाँ पे, ये आप कैसे देखोगे, यहाँ पे ये और ये एंटी पोजीशन थी, तब तो हमने पिछले एग्जाम्पल में जल्दी से कर लिया था, बट इसके केस में क्योंकि एंटी ग्रुप ही माइग्रेट होता है, यही मैंने आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में बताया है, तो इसके केस में क्या है, ये जो बॉन्ड है ये एंटी पोजीशन पे है, ये Z बन रहा है ना, तो ये बॉन्ड जो होगा वो एंटी पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो अब
या तो आप वही कार्बोकेटाइन फॉर्म करो, उसके बाद बॉन्ड को यहाँ से यहाँ माइग्रेट करो, आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। वैसे भी पुल पुश मैकेनिज्म से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये लोन पेयर्स हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ये वाटर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये आ गया, यहाँ से ये वाले कार्बन पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। साथ में यहाँ पे डाउन द साइड बिलो द साइड लगा हुआ है CH3, और ये तो अब वाटर तो यहाँ से निकल गया। उसके बाद यहाँ पे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, बट यहाँ पे लगा हुआ है ये CH3, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 एंड डबल बॉन्ड O, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लेनर फॉर्म में लिखो, स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं इसकी। 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, ये बिलो द प्लेन है, तो इसको अब हम किसी भी कार्बन पे लगा सकते हैं, इसको यहीं पे लगा लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास, डैश में आ जाएगा, बिलो द प्लेन है तो। और उसके बाद ये अब आ जाएगा आपकी अप वाली साइड पे, सॉलिड लाइन में आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3। तो हमें ये मिल रहा है मेजर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे बेसिकली आपकी आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। ये दो डिफरेंट ग्रुप है, पर अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं या यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, तो आपको ये सिमिलर ग्रुप ही मिल रहे हैं, ये कायरल सेंटर तो है ही नहीं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स में स्टीरियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस करेंगे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी होते हैं। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया ही सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज़।